ए व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स अ नूबी बॉयज एंड वेलकम बैक। और आज मैं आपको माइनक्राफ्ट के अंदर क्रोकोडाइल बनाना सिखाऊंगा और ये वीडियो एक मिनी ट्यूटोरियल जैसा होगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको चार डार्क प्रिज्मिन ब्लॉक को कुछ इस तरीके से प्लेस कर देना होगा। उसके बाद आपको डार्क प्रिज्मिन स्टेयर को लेकर इसके आगे प्लेस कर देना होगा, उसके आगे डार्क प्रिज्मिन स्लैब। उसके बाद आपको इसके ऊपर बटन को लगा देना होगा। उसके बाद आपको इसके पीछे आकर यहाँ पे एक स्लैब प्लेस करना होगा। उसके बाद आपको दो स्लैब को इस तरीके से प्लेस करना होगा। इस पीछे वाले को तोड़ देना देता हूँ मैं, और इसको इस तरीके से लगा देना होगा जिससे पूंछ बन जाएगी इसकी। उसके बाद आपको इसके आगे आना है। इसके बाद आपको दो होल डिक करना है। उसके बाद आपको इसके अंदर एक आर्मर स्टैंड को प्लेस करना है। उसको एंडर ड्रैगन का हेड पहना देना होगा। उसके बाद आपको इसके आगे स्लैब प्लेस कर उसके आगे पिस्टन से इसको धकेल देना होगा। बाद आपको इसकी साइड में आकर इसके पैर बना देंगे कुछ इस तरीके से, जैसे मैं बना रहा हूँ उसे बना देना आप भी। उसके बाद आपको एक लूम लेना है, इसके अंदर आपको ब्लैक बैनर को रखना है। इसके बाद आपको वाइट डाई रख के ये वाला पैटर्न सेलेक्ट कर लेना होगा। वापस इस पैटर्न को रखकर यहाँ पे ये वाली डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद इसको ले लेना होगा। उसके बाद आपको स्टेयर को तोड़कर उसके नीचे एक होल डिक कर यहाँ पे इस बैनर को लगा देना होगा। उसके बाद आपको स्टेयर वापस लगा देनी होगी। उसके बाद आपका क्रोकोडाइल बन के रेडी हो जाएगा और देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड जाते जाते मुझे कमेंट में यह बता देना है कि और ऐसे ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। और इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड बाय।